ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। सीधे चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। अजय महाजन जी, सवाल आपसे मेरा ये कि आखिर इस चर्चा के दौरान जो बात निकल कर सामने आई, जो फैक्ट्स और जो लीगल टर्म निकल कर सामने आ रहे हैं, वो ये कि ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ को भी ये अधिकार नहीं है कि जो दो मौजूदा संघ हैं, आपके संघ के तो कहीं बात भी नहीं है, जो मौजूदा दो संघ हैं जिनकी लड़ाई अदालत में चल रही है, उसको रद्द करने का अधिकार IOA के पास भी नहीं है। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि अगर इतना ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी अनिल विज साहब को खिलाड़ियों की जो समस्या से वो आज रूबरू करा रहे थे, तो फिर आखिर ये तीसरा संघ बनने ही क्यों नहीं दिया? सीधे जब दो संघ था उसी समय IOA को कहते कि इस लड़ाई को जल्द से जल्द सुलझाइए ताकि हमारे प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वो किसी एक बैनर के तले जा सकें, उनको भी ये पता चल सके कि उनका ओलंपिक संघ कौन सा है। तीसरा संघ बनने की इजाज़त क्यों दी गई? क्यों उस समय हामी भरी गई या फिर क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया? देखिए, सबसे पहले जो हमारे हमारे इन लोगों के जो साथी हैं सतीश जी, जो हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, सबसे पहले ये क्लियर करें कि हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो कोई कमज़ोर स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं है, वो एक होनहार और विचारवान स्पोर्ट्स मिनिस्टर। यहाँ हम उनकी ताकत और कमजोरी की तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं अजय महाजन जी, कि उनके पास ताकत है या नहीं है, या वो कमजोर खेलमंत्री हैं या मजबूत। हम तो यहाँ फैक्ट्स की बात कर रहे हैं कि अगर IOA को ये ताकत है ही नहीं कि वो मौजूदा खेल जो संघ है उसको रद्द कर सके, तो फिर उनको खत लिखिए, आप टेलीफोन कीजिए, फैक्स कीजिए, वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। संघ बने हैं, ये जो तीसरा संघ बनाया गया है जी, देखिए सहमति की बात करना तो कमजोरी नहीं है। अगर अनिल विज जी, आप सिर्फ एक बयान बता रहे हो अनिल विज जी का, अगर आप पूरा उनका बयान सुनो तो उन्होंने हम पूरे बयान पर चर्चा थोड़ी कर रहे हैं। हम अजय महाजन जी पूरे बयान पर चर्चा थोड़ी कर रहे हैं कि खेल मंत्री साहब कब बने, उनका पहला बयान क्या था, कल का बयान क्या था, परसों का बयान क्या था। हम तो आज के बयान पर चर्चा कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड सवाल होगा मेरा आपसे। इकट्ठा करें और अगर वो तीन संघ इकट्ठे नहीं होते तो फिर उनको डिसॉल्व करने के बारे में सोचा जाए, ताकि जो भ्रांतियां प्रदेश के खिलाड़ियों के बीच में बनी हुई हैं वो भ्रांतियां दूर हो सके। उन्होंने नहीं, आप जवाब नहीं दे पा रहे अजय महाजन जी। जो जवाब मुझे आपसे चाहिए, जो सवाल मेरा आपसे है कि आखिर क्यों अनिल विज साहब ने उस समय ऑब्जेक्शन नहीं किया था जब तीसरे संघ का गठन किया जा रहा था भाजपा के समर्थन से। बिल्कुल, और सवाल ये भी है कि वो ये कह रहे हैं कि तीनों को खत्म करें और अब एक नया बने, तो आखिरकार तीसरा क्यों बनने दिया? पार्टी उनकी है और उनकी पार्टी का अगर कुछ संघ बन रहा है तो क्या वो इंटरफेयर नहीं कर सकते थे? पहला पॉइंट उनका यह है, नहीं गया, बहुत बड़ा सवाल है कि उनको लूप में लिया नहीं गया था क्या? सतीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए, देखो अजय महाजन जी, आपने टू दी पॉइंट जवाब नहीं दिया, हम सतीश जी का रुख चाह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं? साकेत जी जी, चौरसिया जी, इनको पता ही नहीं है, बताइए क्या पता नहीं है जी? मैडम जी, हाँ जी, बताइए। हेलो सतीश जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ मैडम जी, ऐसे है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे एक मिनट देना प्लीज आप। बिल्कुल बताइए। ये ओलंपिक का जो मामला, थ्री टियर सिस्टम है ये, भारतीय भारतीय ओलंपिक संघ, हरियाणा ओलंपिक संघ और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ओलंपिक संघ होता है जी। और जिस संघ को, हरियाणा के संघ को भारतीय ओलंपिक संघ मान्यता देता है वो वैध है, अन्यथा अवैध है वो सारी की सारी चीज। और वैधता सिर्फ उसकी ये है जो शेर सिंह बरसामी जी, हमारे अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष अशोक करोड़ा जी हैं, उसको मान्यता प्राप्त है, बाकी किसी को भी अब तक मान्यता प्राप्त नहीं है। जो प्रेमवीर राठी जी ने जो अपना संघ बनाया था तो कोर्ट के सर 4 महीने से उसका फैसला पेंडिंग है। और जब भी कोई भी टूर्नामेंट होता है, जैसे पहले रांची में था, अब केरला में था, अब की बार जब टूर्नामेंट था, हमारे एसोसिएट मेंबर है भारतीय ओलंपिक संघ के बादू जी, उन्होंने प्रार्थना की तो सभी खिलाड़ी उसी बैनर के नीचे खेल गए। सतीश नांदल जी, मैं आपसे यही बात हुई, जरा अजय महाजन जी, एक सवाल मेरा और है आपसे, मेरे सवाल का जरा जवाब दीजिए। नांदल साहब, हम आते हैं आपके पास। अजय महाजन जी, आपसे मेरा एक सवाल है, अगर आज आपने अनिल विज के बयान को सुना हो ठीक ढंग से, तो वो ये भी कह रहे हैं कि जो संघ नया बने उसमें IOA के ऑब्जर्वर भी आए, उन्हीं के निगरानी में सिलेक्शन हो, जो अध्यक्ष पद देना है या जिसको जो भी जिम्मेदारी देनी है उसको
उनके ऑब्जर्वर की निगरानी में ये तमाम चीजें हों। जब आपने अपना संघ बनाया था तब भी फोकस हरियाणा ने आपके आला अध्यक्ष महोदय से लेकर सचिव और इसके अलावा जो भी मेंबरान थे उन सब से सवाल किया था कि क्या आपने आईओए के किसी सदस्य को बुलाया था, उनकी निगरानी में ये चुनाव हुए थे? उन्होंने कहा हाँ हुए थे। फिर आज अनिल विज साहब को ये क्यों कहना पड़ गया कि उनकी निगरानी में चुनाव हो, सारी चीजें सही तरीके से हो? इसका मतलब वो भी जानते थे कि ये जो एक संघ बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ एक शिगुफा है और कुछ नहीं है। देखिए, मेरे को आप विस्तार से बात करने का मौका दें, मेरे को आप टू द पॉइंट बात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको मौका भी देंगे। तीसरा जी, जो जो हम लोगों ने तीसरा संघ इसलिए बनाया है कि दो जो दो संघ हैं उनका मामला कोर्ट में चल रहा है। नहीं, आपने इसलिए बनाया कि अनिल विज उसको कहें कि भंग कर दो, परेशान है इसलिए। आप ही के खेल मंत्री साहब कहते हैं इसको भी हटाओ। नहीं, उन्होंने भंग करने की बात नहीं कही, यही कहा उनको कि कोई भी जो तीन संघ हो गए हैं सबको रद्द करो, एक नया संघ बनाओ। फिर आपने बनाया क्यों था? पहले ही उन दोनों को से किसी एक को या तो चुन लिया जाता या उन दोनों को हटा करके किसी एक को बना दिया जाता। पहले आप बनाते हैं उसके बाद कहते हैं तीनों को हटाओ। उनका क्या चर्चा की थी कभी आपने अनिल विज साहब से कि एक तीसरा संघ बने या नहीं बने? चलिए ठीक है, अब पीवी राठी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जरा जान लेते हैं। राठी साहब, चलिए राठी साहब, सवाल यही है कि चाहे आपका संघ हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल का संघ हो या फिर भाजपा समर्थित संघ हो, हर संघ ने अपनी अपनी राजनीति ही की और हरियाणा जिसको मेडल फैक्ट्री कहा जाता है, जरा उन खिलाड़ियों के मनोबल के बारे में सोचिए कि उनकी मनोदशा क्या होती होगी कि एक तरफ वो देश के लिए पदक जीतता है, दूसरी तरफ वो अपने राज्य को रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकता। अभी नेशनल गेम्स केरल में हुए उसमें हमने साफ तौर पर देख लिया। तो आपको नहीं लगता कि राजनीति से ऊपर उठ करके सोचने की जरूरत है? राठी साहब, चलिए यही सवाल सतीश नांदल जी मैं आपसे पूछ लेता हूं कि आपको नहीं लगता कि आप राजनीति चीजों को दरकिनार करके खेल के बारे में सोचने की जरूरत है, खिलाड़ियों के बारे में सोचने की जरूरत है कि उनके मनोबल उनके मनोदशा पर बहुत गहरा आघात पहुंचता है? सतीश जी देखिए, साकेत जी जब हमारा ये संघ काम कर रहा था बिल्कुल स्मूथली काम कर रहा था, लेकिन कांग्रेस ने जैसे बीजेपी ने ये काम किया, इनका राज आते ही उनमें बिघन डालने का काम किया, और उसके बावजूद भी जब रांची में इससे पहले नेशनल गेम्स हुए थे वहां ये बच्चे अलग से लेके गए और भारतीय ओलंपिक संघ ने उनको मान्यता नहीं दी, जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने वहीं पे खड़े होकर दस्तक करके हर खिलाड़ी को खेलने का मौका दिया, और यही काम हमारे संघ ने अब की बार किया कि जो अब की बार केरला में टूर्नामेंट थे, आप जो कह रहे वो बात पहले थी, लेकिन जब वहां टूर्नामेंट हुए भारतीय ओलंपिक संघ से हमने प्रार्थना की, श्री बादू जी जो एसोसिएट मेंबर उन्होंने प्रार्थना की और सारे के सारे खिलाड़ियों खिलाने का काम किया। हमने खेल में कभी राजनीति को जोड़ने का काम नहीं किया। समस्या तो यही है ना नंदन साहब, सभी ये कह रहे हैं कि हमने आप से बताना चाहता हूं साकेत जी, ना तो कांग्रेस वाला मान्यता प्राप्त करना उसका, कांग्रेस वाले के साथ कोर्ट केस चला हुआ है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता तब तक ये मान्यता प्राप्त नहीं हो सकते। और जहां तक खेल मंत्री जी का ताल्लुक है, मैडम जी सिर्फ आर्ग्यूमेंट लूंगा आपकी, जहां तक खेल मंत्री जी का ताल्लुक है वो खेल और खिलाड़ियों की तरफ ध्यान दे, इन एसोसिएशनों का मामला मंत्रालय के नीचे नहीं आता, ये बड़ा बड़ा सारे संगठन है, सारी चीजें है, खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करना, खिलाड़ियों को आगे भेजने का काम करना है, और जो हमारा संघ बहुतायत में बहुत जोर शोर से अब तक करता आया है, और मैं तो मान लेता हूं वक्त की भी कमी है नांदल साहब, इसे बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकते आपको। पीवी राठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीवी राठी जी, सतीश जी कहते हैं कि हमें मान्यता प्राप्त है, राठी साहब तो बस खाली कोर्ट लड़ रहे हैं, वो उनको तो वैसे ही पहले से ही करार दिया जा चुका है कि वो उनका संगठन सही नहीं है। आप ये सोचिए जरा, आप लोगों की इस लड़ाई में मेडल फैक्ट्री हरियाणा के खिलाड़ियों का कितना नुकसान हो रहा है, उनके मनोबल पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, राजनीति के चक्कर में खेल का बंटाधार हो रहा है, इस विषय में क्या आप लोग नहीं सोचते? मैडम बिल्कुल सोचते हैं इस बारे में, मैं आपको ध्यान इस चीज दिलाऊंगा, जब ये नेशनल गेम्स हुए थे रांची में उस टाइम भी सिचुएशन आई थी और मिस्टर चौटाला अपोज कर रहे थे, मैंने कहा जो उनके खिलाड़ी को हमारे बैनर में खेले, लीगल बॉडी हमने खिलाए थे, उनका इंटरेस्ट नहीं हट होने दिया। रही बात जो आज जो स्टेटमेंट आई है कि आईओ इलेक्शन कराए, जब मेरा इलेक्शन हुआ 2012 सितंबर में, उस टाइम आईओ ऑब्जर्व आए थे राणा गुरजीत सिंह सोढ़ी और उन्होंने रिपोर्ट दी है कि यही रियल बॉडी है, यही लीगल बॉडी है और इलेक्शन बिल्कुल फेयरली कंडक्ट हुआ, तो कहां पर संदेह रह गया है?
वही चीज हाई कोर्ट ने आगे सपोर्ट की है कि कंफ्यूजन जो है फजूल का कर रखा है, बिगर पिछले बुक क्लियर जो बता रहा हूँ, इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। चलिए, हर कोई अपनी दही को ही ज्यादा मीठा बताता है, आप भी कमोबेश वही कर रहे हैं राठी साहब। एक सवाल यहाँ पर अनिल भारद्वाज जी आपसे हम समझना चाहेंगे, ये जो तमाम पेचीदगियां सामने आई, पहले भारतीय जनता पार्टी समर्थित एक संघ का निर्माण, उसके बाद धर्मवीर जी आपको भी याद होगा कि वो राठी गुट के अध्यक्ष बन जाते हैं, और ये शुरुआत में ये खबर सामने आती है कि दो संघों पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है, फिर सामने ये बात आती है कि यहाँ तो अंतर्कलह है, कहा जाता है कि धर्मवीर जी पर कार्रवाई होनी चाहिए जो नया बीजेपी समर्थित गुट बनता है, तो इन तमाम चीजों में क्या भाजपा खुद ही उलझ गई? जी बिल्कुल, जब प्रदेश में भाजपा सरकार आई थी तो चुनाव के समय भी इन्होंने कहा था हम खेलों की राजनीति बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, इनसे एक आशा थी, लेकिन ये दूसरी पार्टी से दो कदम आगे निकले, इनकी अकेली पार्टी के दो दो एसोसिएशन बन गई हैं। अगर हम एसोसिएशन की बात करें तो धर्मवीर ने जो पद संभाला है वो एसोसिएशन हावी है। अच्छा, मैं आयोग की बात करना चाहता हूँ, भारतीय हॉकी एसोसिएशन केपिस गिल की बात कर रहा हूँ, थोड़ा पुराना पीछे जाना चाहता हूँ। अभी काम कर रही है हॉकी इंडिया बत्रा जी की, क्योंकि हॉकी इंडिया ने विश्व हॉकी फेडरेशन से मान्यता ले ली, लेकिन आईओ में आज भी दोनों के केपिस गिल के और बत्रा के प्रतिनिधि बैठते हैं। वो आईओ किसी को सस्पेंड नहीं कर सकता, आईओ किसी को बाहर नहीं कर सकता। ये विस साहब ने अपना स्टेट का घर का लड़ाई था, इस घर की लड़ाई को यहीं सुलझाना चाहिए था, अपने दोनों नेताओं को मनाना चाहिए था। उनको मनाने के बाद कोर्ट का जो राठी साहब का और इनका भादो साहब का जो कोर्ट केस चल रहा है उसके फैसले का इंतजार करना चाहिए था। जब भी वो कोर्ट का फैसला आए, 2 साल में आए, 2 महीने में आए, उसके बाद कोई निर्णय लेना था। इनके खुद के नेता अपने कंट्रोल में नहीं है, जब वो घिर गए हैं तो सरकार घिर गई, एक दो एसोसिएशन बन गई है, तो उन्होंने जवाब दे दिया कि इनको तीनों को भंग कर दिया जाए, जबकि इस वक्त कोर्ट के फैसला आया नहीं है। चौटाला पार्टी का जो ग्रुप है वो आईओ से मान्यता है और आईओ उसे भंग नहीं कर सकता, उसका कोई पावर नहीं उसके पास। हाँ, अगर स्टेट जो खेल एसोसिएशन है उनसे जुड़ी हुई हैं, जिस वे विश्वास प्रस्ताव ला सकती हैं, आईओ सिर्फ सस्पेंड कर सकता है कुछ दिन के लिए, कोई खामी दिखेगी तो, और बता सकता है कि आप इसी को खामी को दूर कीजिए तब हम आपको मान्यता देंगे, वो उस खामी को दूर कर सकती है। आईओ ने ऐसा आज तक कुछ बोला ही नहीं है किसी एसोसिएशन को, चौटाला वाली को या राठी जी को, हालांकि वहाँ चौटाला जी की जो ग्रुप है वो मान्यता है वहाँ पे। तो फिलहाल जो है भाजपा वो घिर चुकी है खेल की राजनीति में, इनके विधायक और मंत्री, पिछली बार जो कृषि मंत्री हैं धनखड़ जी वो बॉक्सिंग के एसोसिएशन बनाना चाहते थे लेकिन फिर उन्होंने बैक करना पड़ा, ऐसे ही हॉकी की बनाना चाहते थे उन्होंने बैक करना पड़ा। ठीक है अनिल जी, आप ये कह रहे हैं कि भाजपा की ही लड़ाई में अपने अंदरूनी कलह में ही गिर गई है, जवाब अजय महाजन जी देंगे, वक्त की भी कमी है, संक्षिप्त में दीजिएगा कि ये आपकी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई थी दो गुटों की, जिसका जरिया अनिल विज ने जिस तरह का बयान दिया है उससे ये सामने आ गई है कि वो खुद आपने जिस संघ को बनाया उसे नकारते हैं। मैम, हमारे भाजपा का एक ही गुट है जो शान सिंह राणा जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, ओलंपिक एसोसिएशन हरियाणा, और जो हमारे माननीय सांसद किसी गलती की वजह से हरियाणा ओलंपिक संघ जो कांग्रेस का संघ है उसमें चले गए हैं, हमारी उनसे चर्चा चल रही है, और हमारा अनुरोध है सभी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कार्यकर्ताओं का अनुरोध है कि अगर उन्होंने खिलाड़ियों के लिए कार्य करना है तो वो कांग्रेस के संघ को छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिनल संघ है उसमें आके काम करें। मतलब धर्मवीर सिंह जी का घर वापसी करवाएंगे क्या उनका? कमजोरी नहीं दिखाई है, कोई लड़ाई नहीं है। अनिल विज जी ने एक म्यूचुअल सहमति की बात की है, सहमति की बात माननीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं, कुछ घंटे पहले अजय महाजन जी आपको हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि तीनों संघ को एक किया जाए, जब हमारे अध्यक्ष जी ने 2 महीने पहले की बात पहले कह दी है, ऐसा आप कह रहे हैं कि उनसे गलती हो गई, इस तरह के बयान तो आपके महासचिव तक नहीं दे रहे कि उनसे वाकई गलती हुई है। हमने तो ये तक पूछ लिया था कि आपने ये कहा कि हम चिट्ठी लिखे प्रधानमंत्री को कि धर्मवीर सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो पार्टी के लाइन से अलग हट करके काम कर रहे हैं, इसका भी कोई बयान उनका सामने नहीं आ पाया था। सहमति की बात करना कोई कमजोरी नहीं है, हम सारे लोगों को एक साथ लेके चलने वाले हैं और स्पोर्ट्स की बढ़ाई करने वाले हैं।
चलिए वो तो दिख ही रहा है कि आप सारे लोगों को किस तरीके से साथ लेकर चलने वाले हैं, या हर नुक्कड़ पर एक न एक अगर दिक्कतें सामने आएंगी तो एक नई चीज खड़ी कर देंगे आप, चाहे समाधान उससे निकले या ना निकले। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। वक्त की कमी की वजह से इस चर्चा को और ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन ये कैसा समाधान है जिसका कोई औचित्य नहीं है, ना ही कानूनी इसका कोई पहलू है, इसको खेल मंत्री को भी समझना होगा और समझते समझते कुछ ऐसा कदम उठाना होगा जिसको वाकई सराहा जा सके मीडिया की तरफ से भी और खिलाड़ियों की तरफ से भी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।